नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं विकास मिश्रा, आज के एपिसोड साप्ताहिक ज्योतिष में हमारे साथ हैं आचार्य श्री धीरेन्द्र जी, जो कि आपको आपके राशि से जुड़े हुए इस सप्ताह के जो भी विशेष लक्षण हैं या फिर जो भी आपको ध्यान रखना है उन सब के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आचार्य जी को। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य जी, हमारे जो जन मीडिया के दर्शक हैं वो जानना चाहते थे कि क्या क्या चीजें इस हफ्ते में घटित होने वाली हैं। जैसा कि ये विक्रम संवत 2018 ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि आज से आरंभ होती है, तो आने वाले जो 7 दिन हैं उन 7 दिनों में हमारा कैसा दिन रहेगा और हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके विषय में आपसे जानकारी चाहिए। जी, 6 जून तक का फलादेश सभी के लिए बता रहे हैं जी, एक सप्ताह के लिए संडे तक का जी। मेष राशि वालों को लेकर के चलते हैं सर्वप्रथम जी। मेष राशि में वर्तमान काल में शनि की दृष्टि भी है जी, लेकिन वह ज्यादा ज्यादा नहीं है, एक चरण दृष्टि से शनि प्रभावित कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी कुछ गोचर ग्रह मेष राशि वालों के लिए अच्छे भी हैं। हाँ। जैसे कि निजी कार्य है या सरकारी कार्य है या किसी संस्थाओं की सेवा करने वाले लोग हैं मेष राशि वाले। अच्छा, वो सफलताएं इस सप्ताह में सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। अच्छा, यदि रोजगार की तलाश में है तो भी सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, यदि सेवारत है किसी पोस्ट में है तो पदोन्नति की भी संभावनाएं बनती हैं। अच्छा, हाँ, अतः प्रयास करना मेष राशि वालों के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। ये लोग प्रयास करते रहें तो सफलताएं निश्चित रूप से प्राप्त होंगी। अच्छा, पदोन्नति भी हो सकती है, हाँ, और प्रयास सफल भी रहेंगे जी। यदि कोई फार्म हाउस बना रहा है या कोई संस्थान बना रहा है या अपना स्वयं का निजी मकान भी बना रहा है तो जी, उसको और सुंदर बनेगा और जल्दी सिद्ध होगा, जल्दी बनेगा, क्योंकि अच्छा, इस बार सप्ताह के गोचर में शुभ ग्रहों का ज्यादा प्रभाव है। जैसे हमने शनि की दृष्टि की बात की तो थोड़ी बहुत अड़चन आ सकती है, लेकिन सर्वत्र नहीं आएगी, कहीं कहीं आएगी। अच्छा, लेकिन कुछ गोचर ग्रहों का अच्छा सकारात्मक प्रभाव है और परिवार के विषय में चर्चा करें इन राशि वालों के लिए तो माता पिता घर परिवार में सामान्य स्तर के परिणाम देखने को प्राप्त होंगे। बहुत ज्यादा उत्साह नहीं होगा ना तो अच्छा, बहुत ज्यादा दुख ही होगा। सामान्य स्थिति परिवार में माता पिता घर परिवार इनमें प्राप्त होंगे इनको जी। मेष राशि वालों के लिए मतभेद जहां हो तो उनको सुलझाने की कोशिश करें। अच्छा, क्योंकि जो मतभेद हैं वो बढ़ने के आसार भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, शनि की दृष्टि मेष राशि को प्रभावित कर रही है जी, और मंगल जो है अपनी नीच राशि में जाने वाले हैं 3 तारीख को, मैं पिछली बार भी कहा था जी। तो ये 3 तारीख के बाद जो मतभेद हैं, स्वभाव में बदलाव है, ये चीजें देखने को प्राप्त होंगी। सप्ताह के मध्य में, माने कि आज सोमवार है, मंगल बुध गुरुवार से लगभग जो निजी संबंध है उनमें सुधार होंगे, उनके अवसर भी प्राप्त होंगे और जो प्रेम संबंध इत्यादि हैं वो भी मधुरता को प्राप्त होंगे। गायन या किसी एक्टिंग फिल्म इत्यादि स्थानों में यदि है तो प्रयास सफल होगा इस बार। अच्छा, सप्ताह के अंतिम भाग में थोड़ा सेहत का ध्यान रखना जरूरी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि एक धन व्यय का योग बन रहा है, व्यर्थ के खर्चे होना, तो व्यर्थ का खर्चा तो शारीरिक ही होता है कि स्वास्थ्य अच्छा रहे भगवत कृपा से, तो सेहत का जरूर ध्यान रखेंगे। सप्ताह के अंत में वीकनेस महसूस हो सकती है जी।
उपाय के लिए हनुमान जी की आराधना करें, अच्छा रहेगा। हनुमान जी महाराज को सुंदर चोला इत्यादि चढ़ाएं। यदि अभी सुविधाएं उपलब्ध ना हो तो एक नारियल हनुमान जी के लिए रख सकते हैं। जब समय सुधार हो जाए, मंदिर कपाट वगैरह खुल जाए, चोला वगैरह चढ़ जाए, चढ़ने लगे, तो मंदिर में नारियल चढ़ा दें और सुंदर चोला भगवान को चढ़ा दें, लड्डू बूंदी का अपना सुंदर भोग लगाएं। ये मेष राशि वालों के लिए ये उपाय बहुत अच्छा रहा। अब हम वृष राशि की बात करते हैं। वृष राशि के जातक वर्तमान काल में सपने ज्यादा देखते हैं। अच्छा। सपने मतलब ये सोते समय सपने नहीं, सोने के समय जी। दिन में ही कई प्लानिंग है कि ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, तो अच्छी बात है ये लोग अच्छे सपने देखें, क्योंकि इनके जो ये सोचेंगे, जो कल्पना करेंगे, उसमें इनको सफलता प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि यह वृष राशि में गोचरी ग्रहों का ऐसा भी प्रभाव है कि दूरस्थ कोई यात्राएं बन सकती हैं, लेकिन संभल करके यात्रा करें। कोविड चल रहा है, क्योंकि योग बनेंगे जी। वहीं सप्ताह के अंतिम भाग में निजी हो, सरकारी स्थल हो, जहां भी हम सेवारत हैं, वहां सम्मान की वृद्धि प्राप्त होगी जी। और कर्म के प्रति ये लोग जागरूक रहेंगे, अपने कार्य को अच्छी तरह से कर पाएंगे। प्रयास एक तो हम शारीरिक करते हैं जी, या कल्पना में करते हैं, तो पूरे मन से किसी भी प्रयास को करना है वृष राशि वालों के लिए, तो ज्यादा सुखद परिणाम प्राप्त होंगे जी। स्वास्थ्य हेल्थ वाइज यदि हम देखते हैं तो मिला जुला प्रभाव रहेगा, थोड़ा सही रहेगा, थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए सेहत का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि मिश्रित परिणाम देने वाले ग्रह हैं। ठीक ठीक है। अपनी दिनचर्या का अच्छी से तरह से पालन करेंगे, क्रम को किसी भी प्रकार से इधर उधर नहीं करेंगे, अन्यथा समस्याएं हो सकती हैं जी। हाँ, घर परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, सकारात्मक माहौल रहेगा जी। विरोधी लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि अच्छा। वो आपके स्वास्थ्य के प्रति, हाँ, आपके समय व्यवहार के प्रति वो उसको नुकसान देने वाले हो जाएंगे, अतः सूझबूझ से काम को करेंगे जी। उपाय के लिए ये लोग यदि कहीं दिक्कत हो रही है तो सेरा वाली माता की आराधना करें, अच्छा, चालीसा का पाठ करें, हाँ, और दुर्गा जी का जो बीज मंत्र है ओम दुम दुर्गायै नमः, अच्छा, इस मंत्र का 108 बार, अच्छा, प्रातः काल स्नान आदि करके उसको एक माला जप जी, हाँ, बिल्कुल अच्छा रहेगा। वहीं सप्ताह के अंतिम भाग में जो छात्र हैं उनके लिए ज्यादा लाभप्रद है, और वृष राशि वालों के लिए बेशक कई कठिनाइयां भी हैं, लेकिन जो इनकम का स्रोत है वह बढ़ेगा, अच्छा, अर्थात आमदनी जो है वो बढ़ेगी इस सप्ताह। हाँ, तो मेरे ख्याल से इनके लिए मतलब सप्ताह तो मिला जुला है, लेकिन आखिरी जाते जाते आपने एक उन्हें अच्छा हिंट दे दिया कि आर्थिक रूप से दे कैन बी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो जी, जी, बड़ा अच्छा उपाय है। आगे नेक्स्ट हम राशि पे चलते हैं, आचार्य जी बताएं। हाँ, आगे मिथुन राशि जी, मिथुन राशि पे बताएं। मिथुन राशि के लिए जातक हो अथवा जातिकाएं हो, इनका अच्छा समय है जी। जो भी अपने सपने सजाएं वो भी साकार होंगे जी। हालांकि ये लोग जो मिथुन राशि वाले हैं बहुत ज्यादा सपने संजोए रखते हैं, अच्छा, इसलिए इन्हें ज्यादा उपलब्धि इस सप्ताह में तो दिख नहीं रही है। इसके बावजूद भी लगे रहें, लेकिन उतना लगे जितना हमारा साकार हो जाए जी। कुछ संसाधन हैं जो जीवनोपयोगी होते हैं, उनको अपने उपयोग में लें, अच्छा, उनको एकत्रित भी करेंगे ये लोग, जो संसाधन है उनको जुटाने में ये प्रयासरत रहेंगे इस बार, अच्छा। जो संबंध है इन लोगों का, या व्यापार है या रोजगार है, कुछ भी है, उसमें थोड़ा सा लचीलापन चाहिए, अच्छा। मिथुन राशि वाले इस सप्ताह थोड़ा कठोरता का प्रयोग कर सकते हैं,
इसलिए उसको कठोरता की ओर ना ले जा करके थोड़ा सा लचीला बनाए, अपने स्वभाव को भी लचीला बनाए, अपने व्यवसाय को भी लचीला बनाए, जिससे कि आपको लाभप्रद हो, लाभ प्राप्त हो। ज्योतिष देखिए एक रोशनी की भांति होती है, रोशनी दिखाती है कोई आपके अंदर घटनाएं घटने वाली हैं, बाहर घटनाएं घटने वाली हैं, तो सूचित कर देता है। आप यदि सावधान हो जाते हैं तो वो घटना छू करके निकल जाती है या होती ही नहीं है। अच्छा, पूंजी निवेश देश में हो अथवा विदेश में हो, इस सप्ताह में कुछ योग बन रहे हैं, उससे अच्छा। जिन्होंने किया भी है पूंजी निवेश उसमें लाभ प्राप्त हो सकता है जी। धन का खर्चा भी बढ़ेगा, अच्छा। पिछली राशि में भी चर्चा किया मैंने, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति गोचर ग्रह कुछ पीड़ा देने वाले हैं जो मिथुन राशि है। अच्छा जी, क्योंकि मिथुन राशि में इस समय सूर्य का प्रभाव सर्वाधिक है। अच्छा हाँ, तो ये लोग फीवर से और माइग्रेन से, इन चीजों से थोड़ा सा सावधान रहें और दैनिक दिनचर्या का अपना सुंदर पालन करें जी। सप्ताह के बीच में किसी तीर्थ या किसी मंदिर जाने का सुंदर अवसर प्राप्त हो सकता है जी। वहीं सप्ताह के अंतिम भाग में यदि बात करते हैं तो जो भी संबंधित कार्य हैं, व्यापार है या पदोन्नति है, वो भी लाभप्रद हो सकती है, लेकिन संतुलन की बहुत जरूरत है इनको जो मिथुन राशि वाले हैं। अच्छा, इनके उपाय के लिए हम बता दें कि भगवान सूर्य नारायण की आराधना करें, भगवान सूर्य को जल दें जी, दीपक से आरती करें सूर्य नारायण की। अच्छा, सूर्य भगवान के द्वादश नामों का पाठ करें, गूगल में या कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। अच्छा, या गायत्री मंत्र का ही पाठ कर लें सूर्य नारायण के समक्ष 11 बार या 21 बार जी। हाँ, जल जरूर दें और दीपक से उनकी आरती करें तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो ये तो आपने मिथुन राशि के बारे में बताया और मुझे लगता है कि काफी अच्छा प्रेडिक्शन रहेगा, क्योंकि समय जो है सो थोड़ी सा विपरीत तो है, लेकिन अगर ये सूर्य की उपासना करें तो उनके लिए काफी एक लाभप्रद हो सकता है। आगे की राशि पे आचार्य जी बताएं कि क्या फर्क पड़ेगा। कर्क राशि की चर्चा करते हैं जी। कर्क राशि वालों के लिए परिवार के साथ एक संबंध बनाने में ये जुटे रहेंगे। हालांकि दो दिन बाद ही मंगल कर्क राशि में भ्रमण करने वाले हैं जो कि ठीक नहीं होते हैं। इन्हें सिर वेदना से, सिर की पीड़ा से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए और परिवार के साथ अपने मित्रों के साथ संबंध मधुर रखें जी, जिससे कि समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। प्रयास, थोड़ी सी तकलीफ होगी, दिक्कतें भी आएंगी, लेकिन प्रयास करना ना छोड़ें तो इन्हें सफलताएं जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि जब मंगल नीच राशि के गोचर करेंगे तो ये दिक्कतें आएंगी इनके लिए, लेकिन उसमें बिल्कुल प्रयास जारी रखें, जो भी कार्य है प्रयास जारी रखें जी, तो लाभ प्राप्त होगा जी। यदि कर्क राशि वाले विवाह सूत्र में बंधने वाले हैं तो बहुत अच्छा योग बन रहा है वैवाहिक जीवन के लिए, परिणय सूत्र से जुड़ने का सुंदर गोचरीय संकेत प्राप्त हो रहा है। हालांकि इनका भी सेहत के हिसाब से यदि बात करते हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से, तो मिला जुला प्रभाव रहेगा, मिश्रित परिणाम रहेगा, इसलिए खान पान को कमजोर ना करें, अच्छा रखें जी। इस सप्ताह के बीच में अर्थात गुरुवार के बाद या गुरुवार से मान लें तो पूंजी निवेश अच्छा रहेगा। अच्छा। या जिन्होंने किया है उनके लिए भी लाभप्रद होगा। धन का व्यय, खर्चे पहले की अपेक्षा इस सप्ताह में बढ़ेंगे। वहीं पर यदि हम बात करते हैं आजीविका क्षेत्र की, तो आजीविका के क्षेत्र में, यात्रा के क्षेत्र में, प्रवास के क्षेत्र में जो पहले से स्थितियां जिनके जीवन में है वैसी की वैसी बनी रहेंगी, अर्थात प्रयास करते रहें, फिर से कह रहा हूं जी, जरूरत के हिसाब से अपना प्रयास करें, सफलताएं जरूर प्राप्त होंगी।
आप उपाय के लिए यदि संभव हो सके तो लाल मसूर लाल कपड़े में रख करके 11-21-51 अपनी कैपेसिटी के अनुसार किसी सुयोग्य ब्राह्मण को संकल्प करा करके सुंदर दान करें। जी ये काफी अच्छा उपाय है। कुछ और भी अगर उपाय हो तो जरूर चर्चा करें। मैं वही देख रहा हूँ कि कितने दिन करना है, इतने से इनको अच्छा लाभ प्राप्त हो जाएगा। लगभग 18 जुलाई तक इन्हें ये दान करना है। अच्छा, जो कर्क राशि वाले हैं 18 जुलाई तक इन्हें सुंदर अपना हर मंगलवार को दान करना है। हो सके तो 18 जुलाई तक लाल कपड़े ना धारण करें। अच्छा, लाल कपड़े ना धारण करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा जी। क्योंकि कर्क राशि में मंगल का अपना स्वयं का नीचत्व है, नीच प्रभाव है, इसलिए उनके रंगों को परित्याग करें और उनके रंगों की जो भी वस्तुएं आपके पास हैं समझ में आती हैं तो उनका दान करें। उसमें विशेष हमने बता दिया लाल कपड़े में मलका मसूर, लाल वाली मसूर रख करके, उसमें कुछ दक्षिणा रख करके संकल्प करके योग्य ब्राह्मण। ये आपने कर्क राशि के लिए बताया, और कर्क राशि के जातक जो है सो क्या सावधानी रखें और कैसे जो है सो अपने दिन में सुधार ला सकते हैं, परिणय सूत्र के बारे में भी आपने बताया कि अच्छा समय है। चलते हैं आगे की राशि पे, मेरे ख्याल से धनु राशि की बारी है। सिंह राशि के बारे में क्षमा करें। सिंह राशि वालों के लिए इस बार कार्य में व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा जी, और सफलता के सोपान मतलब सीढ़ियां जी चढ़ने के अवसर सुंदर प्राप्त होंगे। अतः अपने जो सधे हुए प्रयास हैं जो हम कर रहे हैं वो करते रहें तो अच्छा रहेगा। यदि खिलाड़ी हैं या अभिनेता हैं या आप राजनेता हैं या फिर आप डॉक्टर हैं, गोचरीय ग्रह जो फल दे रहे हैं वो अच्छा दे रहे हैं, लाभ प्राप्त होगा। वहीं स्वजनों की बात करें तो उनसे मिलने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा। प्रेम संबंध के प्रति थोड़ी सी कमजोरी रहेगी, इसलिए उसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। प्रेम संबंध का मतलब अन्यथा किसी को नहीं लेना चाहिए, माता पिता का है, भाई बंधु का है, अपने परिवार फैमिली का है, ये प्रेम संबंध होता है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, अर्थात पति पत्नी का जो संबंध है, उनका प्रेम है, वो भी अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंतिम में खर्चे बढ़ सकते हैं, अतः अपने सूझबूझ से अपने स्तर को, अपने कुछ यदि व्यसन है, कोई ऐब है तो उसके प्रति थोड़ा सावधान रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो खर्चे शारीरिक भी बढ़ सकते हैं और आपके दुरुपयोग से भी, व्यसन से भी वो बढ़ सकते हैं। और स्वास्थ्य के प्रति मिला जुला परिणाम होगा सिंह राशि वालों के लिए, अतः जरूरी है कि संतुलन बनाए रखें, अपनी दैनिक दिनचर्या अच्छी रखें और भगवान सूर्य की आराधना करें। ओम घृणी ही सूर्याय नमः, पुनः उच्चारण कर देता हूँ, ओम घृणी ही सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें, अच्छा लाभ प्राप्त होगा जी। तो सिंह राशि के लिए जो है सूर्य का जाप अगर वो करते हैं ओम घृणी सूर्याय नमः तो उनके लिए अच्छा अनुकूल समय हो सकता है। माता पिता और दाम्पत्य जीवन में भी उनका स्नेह बना रहेगा। ये काफी अच्छी चर्चा रही। आगे की राशि पे हम लोग प्रकाश डालते हैं कि कैसे उनके उनका कैसा अनुकूल, कितना अनुकूल है और क्या क्या सावधानियां रखनी है उन्हें। बिल्कुल, कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। अगली राशि कन्या राशि है जी।
इसमें छात्रों के लिए सामान्य स्थिति है, सामान्य को ऊंचा उठाया जा सकता है, अध्ययन पर ज्यादा ध्यान दें। चूंकि कन्या में भी दो चरण से शनि की दृष्टि जा रही है, इसलिए कन्या राशि के जो छात्र हैं हमारे, वो थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान देंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षा परिणाम या इंटरव्यू देने वाले कोई स्टूडेंट हैं, कोई नौकरी पेशा नौकरी करना चाहते हैं, तो उनके प्रयास असफल हो सकते हैं। इसलिए लगन से अपनी तैयारी पे जुटे रहें, क्योंकि इस साप्ताहिक जो गोचरीय ग्रह हैं विद्या भाव में सकारात्मक ऊर्जा देंगे, वहीं पर शनि महाराज दृष्टि दे करके उसमें थोड़ी सी बाधा उत्पन्न करेंगे, इसलिए लापरवाही न करें तो अच्छा सुखद परिणाम प्राप्त होगा। गायन वाले हैं, वादन वाले हैं या फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, तो उनके में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होने के आसार बन रहे हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो साथी के मध्य सुंदर स्थिति बनेगी, वहीं सप्ताह के मध्य भाग में कार्यों को पूर्ण करने की चुनौतियां भी सामने आएंगी। ऑफिशियल हो सकते हैं, आपके घरेलू हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, जो आपके कार्य पेंडिंग हैं तो दबाव हो सकता है आपके ऊपर कि आप उसे पूरा करें, ये चुनौती आपके सामने आ सकती है सप्ताह। हालांकि धन के मामले में यदि बात करते हैं तो सप्ताहीय जो ग्रह गोचर हैं अच्छे परिणामों की ओर संकेत कर रहे हैं, चाहे वो विक्रय हो, उत्पादन क्षेत्र हो या क्रय कर रहे हो, तो इस सप्ताह अच्छे परिणामों की ओर जा सकते हैं और कोई छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति यदि हम बात करते हैं तो परिणाम मिश्रित होगा, कुछ स्वास्थ्य अच्छा भी होगा तो कहीं थोड़ा सा बिगड़ भी सकता है। सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि कन्या राशि में इस समय शनि महाराज की दृष्टि है और थोड़ी बहुत सूर्य और राहु की भी दृष्टि है। अच्छा, अब क्योंकि थोड़ा सा जो बुध ग्रह है हमारा वो अपनी राशि का है, मिथुन राशि का ही चल रहा है, इसलिए जो लाभप्रद स्थितियां बनी है उसके कारण से प्राप्त बनी हुई है। उपाय के लिए यदि जरूरत पड़ती है तो गणेश जी की आराधना करें। अच्छा। ओम गम गणपतये नमः, गणपति चालीसा, हाँ गणपति जी को दुर्वा घास चढ़ाएं, ऊपर के तीन पत्ती का कोपल तोड़ करके चढ़ाएं, अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये कन्या राशि के लिए बताया गया कि कैसे, मतलब आप गणेश जी की उपासना करके अपने जीवन में जो आने वाले संकट है उनका आप विघ्न का नाश कर सकते हैं, क्योंकि माना गया है कि गणेश जी समस्त विघ्नों का नाश करने वाले हैं। तो आइए आगे चलते हैं, आगे की राशि तुला राशि की ओर चलते हैं जी। इस सप्ताह तुला राशि के जातक हों अथवा जातिकाएं योजनाएं पूर्ण करने के लिए, पदोन्नत के लिए, प्रमोशन के लिए थोड़ी सी भाग दौड़ जरूर करनी पड़ेगी। इस सप्ताह के पहले भाग में विरोधियों से थोड़ा सा सावधान रहना है, जैसा कि मध्य मैंने बताया कि गुरुवार है, गुरुवार के पहले तक थोड़ा विरोधियों से अपने हम सावधान रहेंगे तो निश्चित अच्छा लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि विरोधी पक्ष आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उनसे थोड़ा सा सावधान रहना है, अपने कार्य की ओर बढ़ते रहना। स्वास्थ्य के प्रति ब्लड का सर्कुलेशन, रक्त विकार हो सकता है, श्वसन तंत्र प्रभावित हो सकते हैं, तुला राशि वालों के लिए विशेष ध्यान दें, तो उसके प्रति आप प्राणायाम इत्यादि से अपने श्वास की नली को अच्छा रख सकते हैं। इस सप्ताह के बीच में ग्रह गोचरीय संबंधित जो अध्ययन है या अध्यापन क्षेत्र में है तो उन लोगों को सफलताएं प्राप्त होंगी, वहीं कारोबारियों के जीवन में भी
आगे बढ़ने के अनूठे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। प्रेम संबंध में भी परस्पर सहयोग की भावनाएं आपके साथ रहेंगी, लेकिन सप्ताह के अंतिम भाग में संबंधों को लेकर के थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। हालांकि इतना सब कुछ होते हुए भी धन का लाभ आपको प्राप्त होगा। तुला राशि वाले उपाय के लिए तुला राशि वाले जो हैं माता संतोषी की आराधना कर सकते हैं और साथ में शुक्र ग्रह का जप कर सकते हैं। शुक्र ग्रह का जो मंत्र है ओम द्रांग द्रींग द्रौं सह शुक्राय नमः, इस महामंत्र का जो नवग्रहों में सूर्य शुक्र का मंत्र है इसका 108 बार जप करेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे ज़्यादा ये अच्छा रहेगा कि आप प्राणायाम की शक्ति को बढ़ाएं, 10 मिनट 15 मिनट आप प्राणायाम करें तुला राशि वाले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तुला राशि पे बताया कि आचार्य जी ने कि कैसे संतोषी माता की कृपा हो सकती है अगर आप संतोषी माता की अर्चना करें, साथ में शुक्र नवग्रह में जो शुक्र हैं उनका भी अगर आप 108 बार जप करते हैं तो आपको मन चाहे फल प्राप्त हो सकते हैं। तो आचार्य जी आगे की राशि पे प्रकाश डालें। बिल्कुल बिल्कुल, वृश्चिक राशि पर चलते हैं जी। ये जो वृश्चिक राशि वाले हैं इस सप्ताह में अपनी पहचान बनाने की इच्छा रखेंगे, ऊंची ऊंची जगह हम अपनी पहचान बना सकें, संपर्क साध सकें, अच्छी योजनाएं बना सकें, ऐसा इनका इस सप्ताह का फलादेश रहेगा। जो ग्रह गोचरी हैं ये संबंधों में मधुरता देने वाले हैं वृश्चिक राशि के लिए और अच्छी स्थिति बनाने वाले हैं। व्यापारिक संबंध, राजनैतिक संबंध या हमारा कर्म क्षेत्र, कार्मिक क्षेत्र, प्रोफेशनल जो होता है तो इनमें अच्छा खासा बढ़ावा प्राप्त होगा जी। अपने लोगों से सहयोग प्राप्त हो सकता है, भाई बहनों में सुंदर प्रेम हो सकता है, वहीं पर अपने लोगों के सहयोग से आपके कार्य भी पूरे हो सकते हैं। सप्ताह के दूसरे भाग में सेहत के मामले में थोड़ा सा सावधानी रखें, सेहत बिगड़ सकती है। सूझबूझ के साथ शारीरिक व्यायाम इत्यादि जारी रखें, खान पान का ध्यान रखें। भवन या वाहन हो इसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ सकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि आपको कोई वाहन लेना है या आपको कोई मकान बनाना है, ऐसी स्थितियों में थोड़े से अवरोध आपको देखने पड़ सकते हैं। सावधान रहेंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप इनके प्रति जो बाधाएं आ भी जाएं तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये ग्रह गोचरीय प्रभाव है जिसके कारण से ये होगा। सप्ताह के अगले उसमें देखेंगे कि कुछ सुधार हो सकता है क्या। वहीं पर अंतिम भाग में सप्ताह के अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, धन का लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा, उसके विषय में आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप उपाय की बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए तो गणपति की उपासना और माँ दुर्गा की उपासना, इन दोनों देवताओं की उपासना करनी होगी जिससे कि आपके जीवन में जो अच्छे लाभ हैं वो प्राप्त हो सके। इसलिए गणपति और दुर्गा, क्योंकि जो वृश्चिक राशि है उसमें केतु का अपना प्रभाव है और राहु की दृष्टि वृश्चिक राशि में है, और वृश्चिक राशि का जो स्वामी मंगल कहा जाता है वह कर्क राशि अर्थात अपनी नीच राशि में है, इसलिए कथित जो बातें हुई हैं उन पर विशेष ध्यान दें और ये उपाय करते रहेंगे। अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा बताया इनको समाधान की, गौरी और गणेश की पूजा अगर वो करते हैं नियमित रूप से तो उनके लिए काफी अच्छा समाधान होगा। हम अगले राशि पे चलने से पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेके फिर से हम लोग मुलाकात करते हैं। देखते रहिए जन मीडिया टीवी, 5 मिनट का ब्रेक है।
आचार्य जी वो समय खत्म हो रहा है, तो मैं दूसरा आपको URL दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने ब्रेक कर दिया।